हे एवरीवन, सो मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि परमानेंट हेयर रिमूवल पर एक वीडियो बनाइए। सो यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये यूज़ करने से, वो यूज़ करने से आपके परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहते हैं परमानेंट फेशियल का जो हेयर है वो रिमूव करना, तो लेज़र ट्रीटमेंट एक लास्ट ऑप्शन होता है। उसमें भी आपको फर्स्ट और सेकेंड होते हैं, उसमें भी फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको एटलीस्ट इसके 8 अटैम्प्ट लेने पड़ते हैं, और 8 अटैम्प्ट के बाद भी आपका परमानेंट हेयर रिमूव होता है कि नहीं, इसकी मूव होता है, बट मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि 8वें अटेम्प्ट के बाद भी आपका फेशियल जो हेयर है वो रिमूव होता है कि नहीं होता है, और मैं बता भी नहीं सकती बिकॉज इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। सो फेशियल रेजर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो कर्मासी का ये फेशियल रेजर है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ कर्मासी का फेशियल बाम भी आता है जिसे अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हो हेयर रिमूव करने के लिए। एंड थ्रेडिंग और वैक्सिंग तो सबको पता है कि कितना पेनफुल होता है। सो देसी नुस्खा है एक हमारी दादी और नानी का जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, सो चलिए इसे ट्राई करते हैं विदाउट एनी फर्दर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया था एंड हल्दी लिया था, रॉ मिल्क लिया था, उसके बाद मैंने आलमंड ऑयल लिया था। एंड अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। उसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे फेस वॉश करके, एंड इसे एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। यहाँ पे ये ड्राई हो गया था अच्छे से एंड मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही पेनफुल था इसलिए क्योंकि ज़्यादा ही ड्राई हो गया था एंड थोड़ा सा रेड भी मेरा फेस हो गया था। अब रिजल्ट की बात करूँ तो ठीक ही ठाक था, कुछ खास रिजल्ट नहीं था बिकॉज जब ज़्यादा ड्राई हो जा रहा था तो इसे रिमूव करने में थोड़ा पेन हो रहा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू।